हाय गाइस, हमारे पास आ चुका है फ्लिपकार्ट की तरफ से न्यूली लॉन्च डेफे ईयरबड्स। इस वीडियो में मैं यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ ही साथ मैं यहाँ पे शॉर्ट डिटेल रिव्यू भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको ईयरबड्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये है हमारे पास फ्लिपकार्ट का बॉक्स। फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके साथ हमें और क्या क्या चीज़ें दी गई है। यहाँ पे दोस्तों, हमारा बॉक्स जो है ओपन हो चुका है। इसके अंदर हमारा ये रहा डेफे ईयरबड का बॉक्स। इसके ऊपर प्लास्टिक की एक कवर की गई है। इसे हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने ईयरबड को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर मैंने इस सील को रिमूव कर दिया है। सील को रिमूव करने के बाद मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये प्लास्टिक को पहले हमें लगता है रिमूव करना होगा। तो इस प्लास्टिक को मैं यहाँ पे पहले रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, हमने इस बॉक्स को ओपन कर लिया और ये देखिए इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिली है। यहाँ पे दोस्तों, ये हमारा रहा मेन यूनिट ईयरबड्स। इसे अभी रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके साथ और हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें और एक दी गई है टाइप सी केबल। ये एक 1 ईयर का वारंटी कार्ड और एक यूज़र मैनुअल भी हमें दिया गया है। इस यूज़र मैनुअल में भी आप इस ईयरबड की सारी डिटेल देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पे इस ईयरबड के सामने में जो स्टिकर लगा हुआ है इसे हम हटा लेते हैं और ये देखिए ये ईयरबड कितना ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शानदार फिनिश के साथ आया है और सामने में इसकी ब्रांडिंग की गई है डेफे की। अब इस ईयरबड के अंदर में मैं ईयरबड्स को आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ब्लैक कलर का ऑर्डर किया है, तो ये ब्लैक कलर का ईयरबड्स हमारे पास आया है। इसका एक वर्जन और भी है ग्रे कलर का, आप उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे आप इसे बाहर निकालते हैं ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम ऑन हो जाता है और अब इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे फिलहाल रख देता हूँ, उसके बाद हम इसे दोबारा से आप कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने फ़ोन को ले लिया है और इसे मैं इस तरीके से ओपन करता हूँ और इन दोनों ईयरबड्स को आपको फर्स्ट टाइम बाहर निकाल के रखना है। फिजिकली इसे आपको ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ऑन हो चुका होता है। अब यहाँ पे आप ब्लूटूथ ऑन कर दें और इस ईयरबड को सर्च करें। सर्च करने के बाद इस ईयरबड हमारे अब यहाँ पे शो होने लगा, तो इसे मैं यहाँ पे पेयर कर देता हूँ। ये बहुत ही ईजिली पेयर हो चुका है। अब दोस्तों, ये ईयरबड्स हमारे फ़ोन के साथ कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। इसमें आपको मिल जाता है ब्लूटूथ वर्जन 5.1 जो 10 मीटर तक की रेंज को कवर करता है। दोस्तों, ये ईयरबड्स एक बार फुल चार्ज हो जाने पर 4 घंटे तक चलता है और उसके बाद इसे आपको चार्जिंग केस में डालना पड़ता है। चार्जिंग केस फुल होने पे ये इस ईयरबड्स को 3 बार तक फुल चार्ज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ये चार्जिंग केस के साथ 12 घंटे तक का बैकअप हमें दे देता है। दोस्तों, इसके ड्राइवर साइज 10 mm की है, इसके कारण हमें इसमें बैस थोड़ा सा कम मिलता है। इसके चार्जिंग केस की बैटरी 300 mAh की है और इसके दोनों ईयरबड्स में 30-30 mAh की बैटरी लगाई गई है। दोस्तों, इस केस को फुल चार्ज करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे तक का समय लग जाता है। इसे टाइप सी पोर्ट के जरिए चार्ज किया जा सकता है। इसे हमें 5V 2 A तक के चार्जिंग एडाप्टर से चार्ज करना है। उससे ज़्यादा का अगर आप चार्जिंग एडाप्टर यूज़ करते हैं तो आपके ईयरबड्स ख़राब हो सकते हैं। दोनों में से किसी ईयरबड्स को 3 सेकेंड तक लॉन्ग टच करके वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। कॉल को आंसर करने के लिए आपको सिंपली किसी भी ईयरबड को एक बार टच करना है। डबल टैप करके कॉल को रिजेक्ट या कट किया जा सकता है। किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करके म्यूजिक को प्ले या पॉज कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में। म्यूजिक बजाते समय राइट ईयरबड्स को अगर हम डबल टैप करते हैं तो नेक्स्ट ट्रैक प्ले होने लगता है और अगर हम लेफ्ट ईयरबड्स को डबल टैप करते हैं तो हम प्रीवियस ट्रैक पे चले जाते हैं। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे इस ईयरबड के जरिए आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आपको अपने फ़ोन के जरिए मैनुअली ही वॉल्यूम को एडजस्ट करना होगा। गाइस, 1000 rupees में ये डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के साथ बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसके साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। बेस इसमें थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, बेस इसका थोड़ा सा कम है, बट साउंड क्वालिटी इसकी ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस ईयरबड्स की गिव अवे के बारे में। दोस्तों, इसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल सा कंडीशन रखा है, आपको इस वीडियो पे जल्द से जल्द 1000 लाइक कंप्लीट कर देने, साथ ही साथ आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और इस वीडियो पे आपको करना है एक ब्यूटीफुल सा कमेंट। कमेंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक ही कमेंट करेंगे, एक से ज़्यादा अगर आप कमेंट करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
रैंडम पिकर के जरिए एक कमेंट को चूज किया जाएगा और वो ही हमारे इस ईयरबड्स के विनर होंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। होप आप इस ईयरबड्स के विनर हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।